आज मेरा फाइनल एग्जाम है और मैं देने जा रहा हूँ अपना लास्ट पेपर, और उसके बाद मैं आपको आके मिलूंगा अपने फाइनल एग्जाम के बाद। 2 hours later तो भाई मेरे पेपर हो गए हैं खत्म, और भाई आपका हो गया बिल्कुल फारिग। अभी मैं अपना लास्ट फाइनल देख के आया हूँ और बड़ी खुशी हो रही है। अभी घर जाके मैंने वीडियो भी एडिट करनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी नहीं छोड़ सकता। एक वीडियो मैं रिलीज करने का सोच रहा हूँ, काफी डिफरेंट है बाकी वीडियो से, लेकिन व्लॉग ही है जैसे होता है। आपके भाई के फाइनल हो गए हैं बिल्कुल फिनिश, और जो खुशी होती है ना एग्जाम दे के फाइनल हो के पेपरों के बाद, छुट्टियां समर वेकेशन इसी की खुशी हुई भी है मुझे। तो भाई मैं आया हूँ स्टारबक्स, और मैंने कहा यार पेपरों के बाद स्टारबक्स क्यों ना पी जाए एक, तो भी मैं स्टारबक्स जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया। The next day. तो यार फाइनल के नेक्स्ट वाला डे मेरा शुरू हो चुका है। इस वक्त हो गया फाइनल हो रहे हैं मेरे, और मुझे बिल्कुल नहीं मौका मिल रहा ईद वाला व्लॉग जो मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए टाइम निकाल के अपने फाइनल्स के बीच में, बल्कि उससे पहले मैंने डाला था वही डाला एक व्लॉग, और उसके बाद अभी मैंने ये वाला व्लॉग बनाना था। एग्जाम वाले मराहिल में मैं इतना बिजी हो गया था कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, ना मैंने कुछ व्लॉग एडिट किया था, ना मैंने कुछ शूट किया था आप लोगों के लिए। जब आपके एग्जाम हो रहे होते हैं तो आपको काफी टेंशन होती है, टेंशन वाला माहौल क्रिएट हुआ था। इस दौरान मुझे जरा बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और मेरे बाल इतने बड़े हो गए, मुझे बिल्कुल हेयर कट चाहिए। मैं जाऊंगा किसी हेयर कट शॉप पे, यूएसए में यहाँ पे हेयर कट कितनी महंगी है कंपेयर टू यूएस और पाकिस्तान, हेयर कट कितनी महंगी और कितनी सस्ती है। तो यूजुअली मैं जाता हूँ हेयर कट पे, एक दुकान है जूली हेयर डिजाइन आई थिंक, वो काफी अच्छी हेयर कट करती है मेरी। हो सका तो मैं आपको अंदर से भी दुकान दिखाऊंगा अगर मुझे परमिशन मिली तो। भाई आपके ने कटिंग करा ली है, कटिंग के मैंने दिए $15, $15 में मेरी फुल हजामत हो गई है। तो $15 आप लोग बना लीजिएगा, पाकिस्तानी में कितने बने, मेरे लिए तो $15 ठीक है, आई थिंक ये मिनिमम है मेरे लिए $15। तो यूएसए में दो दिन पहले बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है, मौसम 96 हुआ, वस्तान के मौसम की फील आ रही थी, वजह से मैंने अपनी जितनी जल्दी हो सकता है मैंने अपने बाल कटवाए। के लिए ईद का व्लॉग बनाया था, ईद पे भी नहीं मैंने हेयर कट करवाई क्योंकि मैंने व्लॉग बड़ी मुश्किल से बनाया था, खास कोई टाइम नहीं था मेरे पास। इस वक्त था मेरे पास टाइम, तो मैंने कहा यार चलो हम लोग हेयर कट भी करवा लेते हैं और आप लोगों के लिए व्लॉग भी बन जाएगा। शॉप का नाम था जूली हेयर डिजाइन, जहाँ से मैंने अभी कटिंग करवाई है, और इस शॉप में काफी सारे स्पॉट बने हुए कटिंग के, जो मैं कटिंग करवाता हूँ वो एक लेडी है जो बिल्कुल कोने पे बैठती है, और ये शॉप बिल्कुल एशियन थीम दिया हुआ है इन्होंने। कटिंग के ये लेते हैं $12 हेयर कट के, मैंने 15 इसलिए दिए, भी देता हूँ कटिंग की क्योंकि मुझे जो कटिंग ये करती है मेरी वो मुझे पसंद आती है। इस वजह से कटिंग करवाते वक्त मैं दिखा नहीं सकता था कि मुझे परमिशन नहीं मिली अंदर व्लॉग करने। कुछ बंदा होता है जो दिखाना चाहता है अपने आपको, कुछ होते हैं कोई नहीं दिखाना चाहता। लोग ऐसे हैं अंदर जो नहीं दिखाना चाहते थे अपने आपको, कोई नहीं इजाजत दे रहा तो मैं नहीं करता शूट। तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने करना था ये। ऐसे ऐसे करके कैंचियां चलाते हैं और मशीनें चलाते हैं सर पे और बाल काटते हैं, वैसे ही होती है हेयर कट, और तो कोई खास नहीं है इसमें। थोड़ा सा मैं आपको अंदर से ओवरव्यू मैंने आपको दिखाया है कि ये दुकान कैसी है और अंदर से कैसी और बाहर से कैसी। नेक्स्ट डे तो हमारा नेक्स्ट डे शुरू हो गया फाइनल के बाद वाला, क्योंकि फाइनल खत्म हुआ है, मैंने अपनी कटिंग करवाई थी और उसके बाद मैं घर चला गया था। आज जुमे का दिन है तो हम लोग जा रहे हैं जुमा पढ़ने अपने घर के करीब जो एक मस्जिद है एवरग्रीन इस्लामिक सेंटर, और मेरे बड़े भाई के भी पेपर खत्म हो गए हैं तो हम दोनों आज जाएंगे, फारिग हो गए हैं ना, तो इस वजह से जुमे की नमाज पढ़ के फिर आपसे मिलते हैं। गाड़ी में जी हमने पेट्रोल डलवाना था इसलिए हम रुके हैं यहाँ पे। पेट्रोल की क्या कीमत हो गई है, ये वाला डलवाते हैं हम लोग, 6.159 हो गई है। डेबिट है हमारा, डेबिट पे क्लिक कर दे। अब हम ये उतारेंगे पहले और उसके बाद ये बटन प्रेस करेंगे और अब पेट्रोल डालना शुरू करेंगे। तो हमारा पेट्रोल डालना जी शुरू हो गया यहाँ से, जैसे जैसे डलेगा ऊपर जो है ये प्राइस है और नीचे जो है इसके गैलन्स हैं, तो देखते हैं कितने गैलन डलता है हमारी इस गाड़ी में। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम है, जब गाड़ी में फुल हो जाता है तो वो खुद ब खुद ही बंद हो जाती है, तो अब देखेंगे ये कहाँ तक बंद होती है। हाँ ज़्यादा डलेगा मुझे भी यही लग रहा है, $45 का डल जाएगा, $45 का डल जाएगा हो सकता है। ऑटोमेटिक बंद हो चुकी है, 52 पे हुई है ये, और 8.5 गैलन डला है, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट इतना ही डलता है हमारी कार में फिल होने के लिए, और $52 की गैस लगी है हमारी ऑल इन टोटल।
तो अब चलते हैं हम मस्जिद की तरफ। तो इसकी रेंज हो गई है 424 और टैंकी हो गई है बिल्कुल फुल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब अब फुल चल जाएगी ये। अब जरा मस्जिद के रास्ते में ना शोरूम भी आते हैं गाड़ियों के, तो एक ये शोरूम है, यहाँ पे भी मिक्स खड़ी हैं और सिडीज बैंस। तो ये मर्सिडीज का शोरूम है, सारी मर्सिडीज की जितनी सेडान्स और ट्रक्स होते हैं सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमने भी मर्सिडीज खड़ी हुई है। तो रोड है जिसपे हम जा रहे हैं सीधी मस्जिद को जाती है, पहाड़ पे है मस्जिद बिल्कुल इस साइड पे। तो अभी हम जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमें नजर आई है, यहाँ पे गूजे बैठी हुई है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, ये काफी मोटी मोटी सी, ये पूरी क्रीक है जहाँ पे ये बैठी होती हैं। तो ये भी रास्ते में आती है मस्जिद के। बस आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोग अब पहाड़ चढ़ने लगे हैं, ऊपर तक हमने जाना है कि इस साइड पे मस्जिद है, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। तो जो मस्जिद है वो है उस तरफ, वो जो ऊपर बनी हुई है मस्जिद वो वाली। तो अभी हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे और फिर अंदर एंटर होंगे मस्जिद के। तो मस्जिद के अंदर हम हो गए हैं एंटर, और इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है मस्जिद की। तो ये भी कंस्ट्रक्शन मराहिल में है इस वक्त, लेकिन थोड़ा सा पार्ट इसका वहाँ पे ये भी फिनिश होगी। पार्किंग हम यहीं पर ही लगाएंगे अपनी। तो हम लोग मस्जिद में आ गए, हमने यहाँ पार्किंग लगाई है अपनी गाड़ी, और ये मस्जिद मेरे पीछे रास्ता है और ये मस्जिद है ये वाली। तो अभी हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाते हैं। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Allah further reminds us that how important your speech is. Ya ayyuhalladhina amantuqullaha wa qulu qawlan sadida. When you speak, you talk to each other, you have a conversation with one another, make sure that it is sadid, it is straightforward. UIC, and on June 8th, we will also have a blood drive here at UIC from 9 a.m. to 3 p.m. All this information is on our website, or you can subscribe to our weekly newsletter. Thank you. Hello. Hi, Jen. Davis, for Sarah Zemir. Oh, sorry about that. No worries. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Hi, Jen Davis. हमें मस्जिद से ये मिला, हमने डेव डेविस को वोट डालने, मेयर ऑफ सैन होजे, और जुमा पढ़ के हम लोग आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। हमने जुमे की नमाज अपनी पढ़ ली है और मैंने आपको दिखाई मस्जिद जिसमें हमने नमाज पढ़ी है, वो थी एवरग्रीन इस्लामिक सेंटर। ये वही मस्जिद है जहाँ पे मैं चांद रात वाला व्लॉग आपके लिए बना के गया था। यहाँ पे एक्चुअली चांद रात भी लगी हुई थी इसी मस्जिद में, और ये मस्जिद हमारे घर के करीब है, अबाउट 15 या 20 मिनट की ड्राइव पे है। हम आके पढ़ते हैं नमाज, और मेरा बड़ा भाई भी साथ था मेरे, तो हम दोनों ने नमाज पढ़ी यार, बाकी सारे जॉब पे थे घर वाले। तो अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ घर, और इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करता हूँ कि मेरा डेली रूटीन वाला व्लॉग फाइनल्स के बाद वाला आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन भी बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया। आधा व्लॉग होता है जिसमें मैं कहीं बाहर नहीं जाता, जो अपनी नॉर्मल रूटीन होती है वो ही आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जो कि मैं आपके लिए बनाऊंगा फूड से रिलेटेड है। हिंट इतना दे देता हूँ, मैं और मेरा बड़ा भाई मिलके बनाएंगे। जब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।